हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आपका स्वागत है इस यूट्यूब वीडियो में। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस इस वीक का, जो कि 12th ऑफ फेब्रुअरी से स्टार्ट होने वाला है, और जिस तरीके से लास्ट वीक में एनालिसिस किया था कि ये अपसाइड कंसोलिडेशन होगा और 7th तक एक टॉप बनता है तो फिर से एक गिरावट देखेंगे। तो आप देखेंगे 7 तारीख के आसपास ही एक टॉप बना 22,000 के आसपास, और जोर से करीब 300-350 पॉइंट की गिरावट देखा गया। अब इस गिरावट में जो लो बना है 21,630, जो कल बना है, और फिर वहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम का सिग्नल दिया है। इस अपसाइड में फंसना नहीं है, और इसका मतलब कतई नहीं कि आप मंदी कर दीजिए। बिल्कुल ही इंट्राडे में जहाँ भी ट्रेंड रिवर्सल दिखे, आप बोथ साइड ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए। जैसा कि मैंने बोला था कि फरवरी और भी वोलेटाइल रहने के चांसेज हैं, और पूरा साल का जनवरी फरवरी चल रहा है, वोलेटिलिटी इस साल में ही होने वाला है, और फरवरी में आपने बिल्कुल एग्जैक्ट 7 दिन में इस हफ्ते में क्या देखा, 22,000 के ऊपर जाते हुए देखा, फिर 22,000 के लेवल को तोड़ करके अच्छा खासा एक ही दिन में 300 पॉइंट गिरते हुए भी देखा। तो बहुत ही ड्रामेटिकली होने वाला है। अपसाइड तेज़ी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, और नीचे के लेवल जो सपोर्ट है, आप देखेंगे 21,630 का जो लो लगा है एग्जैक्टली पिछले महीने के हाई लो का मिड पॉइंट है 21,630, और इस हफ्ते का जो मिड पॉइंट है 21,840। तो ओवरऑल जो मंथली मिड पॉइंट है उसके नीचे जाता है तो डाउन ट्रेंड का सिग्नल चालू हो जाएगा, और 21,840 के ऊपर जो इस वीक का जो मिड पॉइंट है ऊपर जाने की कोशिश करता है तो फिर अपसाइड जाने की तैयारी करेगा, और ये सारा लेवल क्लोजिंग बेसिस पे इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अब हम बात करेंगे, तो इस स्क्वायर ऑफ नाइन के थ्योरी के बेसिस पे अभी जो बाजार है 21,000 यहाँ पे है, यहाँ पे, और बॉटम यहाँ पे बना था, तो ये इम्पोर्टेंट अपसाइड जो देख रहा है 21,820। 21,820 एक ऐसा लेवल है जिसके ऊपर एक ब्रेकआउट देखा जाएगा और उसका रेंज तैयार हो जाएगा 21,920, और नीचे 21,630, 21,722, 21,722 डाउन साइड में, और अप साइड में 21,920। मीन्स कि 21,720 से लेके 21,920 ये एक रेंज होगा, ट्रेडिंग रेंज होगा। इस रेंज को जिधर भी तोड़ेगा डाउन साइड या अप साइड मोमेंटम असली वाला चालू होगा। तो 21,920 इसके लिए बीच का जो लेवल है 21,820, 21,820 के ऊपर 21,920 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और 21,820 के नीचे है तो 21,720 एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा, और 21,720 टूटता है तो पूरे पूरे 21,650, और उसके बाद 21,576, और फिर 21,500 एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा। मीन्स कि 21,722 के नीचे 21,630 जो मिड पॉइंट है और इस हफ्ते का लो है उसको टारगेट रखेगा, देन 21,576, 21,500, 21,500 इम्पोर्टेंट वो लेवल है जिसके नीचे ट्रेंड रिवर्स कर जाएगा फाइनली, और 21,630 के नीचे की क्लोजिंग का भी कंफर्मेशन मिल जाएगा, और फिर 21,000 की तरफ चल पड़ेगा बाजार। लेकिन बहुत फास्ट मूवमेंट होगा, सोम और मंगलवार को आप देखिएगा बहुत वोलेटाइल होगा। अगर ऊपर जाता है 21,920 और फेल होते हुए दिखे 21,820 के नीचे, तो समझ जाओ 21,720, 21,730 आने की कोशिश करेगा, और 21,720 के नीचे 21,630 के आसपास ये क्लियर कर देगा कि 21,500 भी छू सकता है। लेकिन 21,820 के ऊपर ये कोशिश करेगा 21,920 और 22,000 के लेवल के आसपास जाने का, तो इस इम्पोर्टेंट लेवल को फॉलो करना है। और इस वीक का जो ब्रेकआउट लेवल है
वीकली ब्रेकआउट लेवल भी 21,920 आ रहा है और 21,650 आ रहा है। वीकली ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल भी क्लियर कट वही दिखा रहा है और इंट्राडे बेसिस पे जो रेजिस्टेंस होगा 21,830 के ऊपर, जो 820 वहाँ पे आ रहा है, और 21,730 के नीचे इंट्राडे ट्रेंड रिवर्सल होगा, जो कि 870 के ऊपर एक क्लियर कट 21,950 और 600-700 के नीचे 21,630 21,620 इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो ये निफ्टी का लेवल एनालिसिस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से, कोई भी प्रॉफिट लॉस का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।